हेलो दोस्तों, GDS न्यूज़ में आपका स्वागत है। दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित स्वराज एक्सप्रेस चैनल ऐसे बुद्धिजीवियों के द्वारा शुरू किया गया था जिनका नाम सुनकर ही लोग उससे जुड़े थे। लोगों को ऐसा लग रहा था कि इनके साथ काम करके उनका करियर को यह प्रदान होगा, पर इस चैनल के संस्थापक सदस्यों में उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी के OSD गुरदीप सिंह सप्पल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की पत्नी अमृता राय जो कि TV इंडस्ट्री की जाने मानी हस्ती है, ये भी शामिल थे। कंपनी की फाइनेंशियल समर्थन मध्य प्रदेश के RKDS के मालिक सुनील कपूर रहे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। लॉकडाउन के दौरान भी पूरी ताकत के साथ चैनल के कर्मचारियों ने काम किया इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में कुछ अच्छा होगा। मार्च से लेकर सितंबर तक 20% तनख्वाह में कटौती के साथ काम करते रहे, लेकिन अचानक से 15 सितंबर 2020 को स्वराज एक्सप्रेस को कर्मचारियों को चैनल बंद करने का ऐलान कर दिया गया, जिसकी किसी को भनक तक नहीं। ऐसे ऐलान के दौरान चैनल की डायरेक्टर अमृता राय भी मौजूद नहीं रही जो पूरे लॉकडाउन के दौरान भोपाल में सुरक्षित थी। उन्हें अपने कर्मचारियों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं रही कि किस तरह से कोरोना के संकट में सब काम कर रहे हैं। चैनल में एक वक्त ऐसा भी आया जब ज़्यादातर कर्मचारी COVID-19 पॉजिटिव हो गए, लेकिन चैनल बंद नहीं होने दिया गया। ये इस चैनल के कर्मचारियों की हिम्मत ही थी कि वो काम करते रहे, चैनल को ऑफ एयर नहीं होने दिया। अचानक से चैनल के बंद करने से 150 पत्रकार सड़क पर आ गए हैं। मजबूरन इन्हें अपने ही चैनल के बाहर के दफ्तर के बाहर रोज़ अपने हक के लिए आना पड़ रहा है। चैनल के CEO गुरदीप सिंह अप्पल तो कभी कभार मिल जाते हैं, लेकिन अमृता राय ने इस पूरे मामले से खुद को अलग कर लिया है। एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिससे सभी लोग जुड़े थे, उसे भी ख़त्म कर दिया गया। अमृता राय ने भोपाल में जाकर डेरा डाल लिया है और ये अब मुंह मोड़ के चली गई है भोपाल। यहाँ पे इतने एम्प्लॉयों को छोड़ के कोरोना काल में, सोचिए कोरोना काल में नौकरी नहीं मिल रही है, ये लोग नौकरी से निकाल के, अच्छा ठीक है निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको कम से कम पैसे तो देने चाहिए ना यार। मैं एकदम चिढ़ चुका हूँ, कुछ भी मैं कर सकता हूँ कभी भी, और इसके जिम्मेदार गुरदीप सप्पल होंगे, अमृता राय होंगे और जो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर हैं वो। विनय जी बोलिए। मेरा नाम विनय है, मैं यहाँ स्वराज में 2 साल से काम कर रहा हूँ, आज 2 साल हो गया। बीच में हमारी सैलरी फंसी पड़ी है जो गुरदीप सप्पल देने का नाम नहीं ले रहे हैं। नाम कैसे लेते हैं सैलरी का, कभी कनाट प्लेस मीटिंग करते हैं, कभी पार्क में करते हैं, कभी अपने ऑफिस में भी करते हैं, कहते हैं परिवार हैं, लेकिन ताला बंद कर देते हैं। जब हम लोग हल्ला हंगामा करते हैं तो ताला खुलवाते हैं और गांधीवादी को, गांधी जी को माने बेचते हैं। इस माने इनका जो दिमाग है बहुत शातिर है, तो पैसे देने का इनका एकदम मन नहीं है। काम कराया है भरपूर हमसे और ये ऐसे ही करेंगे ना, और यहाँ पे लोगों के खाने के पैसे नहीं हैं तो किसी दिन आत्महत्या या कोई आत्मदाह कर देगा, तो उस दिन इनकी आँखें खुलेंगी। फाइनली इनसे कई बार हम कह चुके हैं सर पैसे नहीं है, पैसे नहीं कुछ कीजिए, कहते हैं मैं आगे करता हूँ, कपूर जी देंगे। हमने इंटरव्यू इनको दिया, अमृता राय को दिया, 70% इम्प्लॉयों का इंटरव्यू अमृता राय ने लिया। दिग्विजय सिंह राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की धर्म पत्नी बैठेंगे, कब तक चलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। ओके, सुना है सप्पल जी ने कुछ लोगों को चेक ओक दिया है, सबको लालच दिया जा रहा है, 1 महीने का चेक लो भैया, बिना पैसे दिए कोई नहीं उठने वाला यार। हमें कुछ ना मिला भैया, हम परेशान हैं, सुबह से पड़े हुए हैं, खाना नहीं खाया है, खाना खाने के पैसे नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। एयरपोर्ट बुला रहे हैं, सुन रहे हैं ऐसी स्थिति में, बुला रहा गरीब आदमी यहाँ मुश्किल जा रहे हैं, एयरपोर्ट का पहुंचे नहीं, कुछ ऐसा नहीं लग रहा सरदार जी गेम खेल रहे हैं, ये सब धोखा है, गोलीबाजी चल रही है। मिला आपके लिए में आपकी सैलरी कब से नहीं मिली है? सैलरी हमारी अगस्त की सैलरी पेंडिंग है, और उसके बाद जो भी अलाउंसेस है, जो भी इन्होंने कंपनसेशन की बात की, कुछ नहीं मिला। सितंबर में काम किया आपने? सितंबर 7 तक काम किया। चैनल बंद करने की घोषणा कब किया? चैनल बंद करने की घोषणा इन्होंने, इशारा तो हमें 7 सितंबर को ही कर दिया था, लेकिन 15 तारीख का इन्होंने आश्वासन दिया था कि शायद कुछ पॉजिटिव हो जाए, 7 दिन का जो है हम विराम ले रहे हैं। तो घोषणा कब किया? घोषणा इन्होंने 15 तारीख को इन्होंने। ठीक है, और आप क्या चाहते हैं?
हम यही चाहते हैं कि जो हमारे जो हमने मांगे किए हैं कि 3 महीने का जो है हमें जो है कंपनसेशन मिलना चाहिए, और जो हमारी ईएल हैं वो हमें मिलनी चाहिए, और जो हमारा पैसा कटा है कोरोना काल के अंदर वो हमें पूरा मिलना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। जब चैनल बंद किया जा रहा था तो उन्होंने इसे एक परिवार की संज्ञा दी थी, लेकिन परिवार के सदस्यों के दर्द से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। अगस्त की तनख्वाह नहीं आई है, फुल एंड फाइनल का भी कोई पता नहीं है। भोपाल से कपूर साहब की तरफ से भेजे गए प्रतिनिधि मंडल भी बिना बताए दिल्ली से भाग खड़े हुए। अमृता जी, बेरोजगार पत्रकारों को संवेदना की नहीं सैलरी की ज़रूरत है। परिवार कहकर परिवार को तोड़कर आप भोपाल में बैठ गई, क्या परिवार की यही परिभाषा होती है? आपका नाम क्या है? संजय गुप्ता। क्या नाम है? संजय गुप्ता। अच्छा, किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं? लाइब्रेरी। क्या अभी कब से नहीं आ रही है सैलरी? अगस्त की सैलरी नहीं है, अगस्त से डीले चल रही है। क्या क्या प्रोसेस है, ऐसा कुछ है क्या? सैलरी डीले नहीं चल रही है, सैलरी अगस्त के इन्होंने दी नहीं है, और उसके बाद से अचानक इन्होंने बंद कर दिया है। अच्छा, हमें सुनने में आया था कि ये सैलरी जो काटेंगे उसको देंगे, लेकिन ऐसा कुछ कोर्ट का हवाला दे रहे हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ये हमें बस दिन से दिन जो है दिन पे दिन हमें कोई धोखा दे रहे हैं। ये हर बार इन्होंने हमें जो है डेट दिया, लेकिन वो डेट जो है इनकी निकल जा रही है। अभी तक इन्होंने इनके जो जवाब है उससे हम संतुष्ट नहीं कि सैलरी कब देंगे, अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। अच्छा, कुछ जगहों पे ये आ रहा है वेबसाइटों पे कि ये कह रहे हैं हम आप लोग के साथ हैं, क्या ये वाकई आप लोग के साथ हैं कि धोखा कर रहे हैं? धोखा है, पूरी तरीके से धोखा है ये। अच्छा, तो ये चैनल कब बंद किए थे, किस तारीख को? कंफ्यूजन हो रहा है, कभी 7 कोई कह रहा है, कोई 15 कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, क्या है? हम भी नहीं समझ पाए कि चैनल बंद है कि चल रहा है। और कैसे माध्यम से आप लोग को पता चला? किसी माध्यम से नहीं, इन्होंने बरबरी हमें बताया कि यहाँ से 7 तारीख है कि चैनल बंद। अच्छा, उसके बाद से 15 को बोला है कि अगली बार मीटिंग करके हम बताएंगे। तो आपने अपने बॉस से इस बारे में नहीं डिस्कस किया? हर्ष बत्रा साहब, सुनने में बॉस हैं आप लोग के, संजय कुमार, सत्येंद्र रंजन, इन लोग का क्या योगदान रहा? सारे बॉसेस भाग गए हैं ताला लगा करके, गुरदीप सप्पल हो या अमृता चौरसिया हो, कोई सामने नहीं आ रहा जवाब देने के लिए। हम सवाल किससे करें? ये आप लोग से बात उचित एकदम नहीं किए? बिल्कुल नहीं, कोई बातचीत नहीं हो रही है। आज 16 तारीख है और 15 तारीख को चैनल आने, मान लीजिए मोटा मोटी 1 महीना से ऊपर हो गया। हाँ, 1 महीना से ऊपर हो गया, चैनल बस ताला लगा के भाग गया। और हमें यहाँ तक जानकारी आप लोग से प्राप्त हो रही है कि क्या ये 15 मैंने सैलरी कब से बंद देना बंद किया है? अगस्त से सैलरी नहीं आ रही है। अगस्त की सैलरी नहीं आई है? नहीं आई है। और ये अक्टूबर महीना चल रहा है जी? जी। Thank you.
आपकी समस्या क्या है, यहाँ पे प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे हैं? मेरा नाम सुजीत गुप्ता है जी, मैं स्वराज एक्सप्रेस के इनपुट डेस्क संभालता था। ये अगस्त महीने से सैलरी नहीं दे रहे हैं, एकाएक 7 सितंबर को सितंबर में मना कर दिए कि काम नहीं करना है, ठीक है। अभी तक ना कोई नोटिस दिया इन्होंने, न हमें बताया है मेल के द्वारा कि चैनल बंद कर दिए हैं, अभी तक कोई पैसा नहीं। इन्होंने कैसे बताया है? इन्होंने जुबानी बोल दिया कि कल से काम नहीं। सुना है ट्विटर और फेसबुक पे भी ऐसा है कुछ क्या? हाँ, ट्विटर और फेसबुक पे डाल दिया कि चैनल बंद हो गया, अब हमारा काम आगे नहीं होगा। हमें हमारा हक चाहिए, भीख नहीं मांग रहे सप्पल से। कितने महीने की सैलरी बाकी है? एक तो ये मार्च से सैलरी काट रहे थे कोरोना काल का हवाला देकर, जो हमें बताया नहीं गया कि सैलरी क्यों काट रहे हैं। एक तो सैलरी की चोरी किया इन लोगों ने, अगस्त से सैलरी नहीं दिए हैं, 7 सितंबर तक काम किए, उसके बाद टहलाते रहे। 15 सितंबर को इन्होंने ऐलान कर दिया कि हम चैनल नहीं कर आगे। अमृता भी आई थी क्या उस दिन? अमृता राय भी थी, दिग्विजय सिंह की पत्नी, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की पत्नी अमृता राय भी थी, कह दी कि हम आगे नहीं चला पाएंगे, पैसा नहीं है। आप लोग की मांग क्या है? हम लोग की मांग है कंपनसेशन 3 महीना मिलना चाहिए, नोटिस पीरियड तो दिया नहीं। नोटिस पीरियड 1 महीने का होता है, कंपनसेशन 3 महीने। क्या आप आज तक सैलरी पे हैं? हम आज भी अब पेरोल पे हैं, हमें कोई नोटिस नहीं है, किसी तरह का मेल नहीं है कि कंपनी बंद हो गई है या बंद कर दिया, आपको नहीं आना। हम डेली आते हैं उसी तरह। कितने लोग काम करते हैं यहाँ पे? लगभग 150 से 200 एम्प्लॉय काम करते हैं। स्वराज एक्सप्रेस पर। इसका नाम न्यूज़ प्लेटफॉर्म से कुछ था क्या? न्यूज़ प्लेटफॉर्म भी इसका नाम था पहले, फिर बाद में स्वराज एक्सप्रेस नाम रख दिया। क्या नाम है आपका? हम कर लेंगे। नहीं नहीं, अरे किस डिपार्टमेंट में काम करती थी? वेब। स्वराज एक्सप्रेस के वेब। क्या किया इन लोगों ने? हमको जो है वो हमसे जो है इन्होंने काम करवाया 7 तारीख तक, 7 सितंबर तक, और अगस्त की जो सैलरी वो आई नहीं है, और आज मतलब 16 अक्टूबर हो गया है और अब तक हमारी जो सैलरी है वो हमको जो है नहीं मिली, तो बस उसी की जो लड़ाई है वो हम लड़ रहे हैं। सिर्फ सैलरी चाहिए या कंपनसेशन की भी मांग है? कंपनसेशन मतलब जब इन्होंने कंपनी बंद की है तो इनकी ये जिम्मेदारी थी कि एक साथ ही इतने सारे लोगों को इन्होंने बेरोजगार कर दिया, सड़क पर ला दिया, तो हमारी ये डिमांड है कि हमें कंपनसेशन के तौर पर 3 महीने की जो सैलरी है वो दी जाए, उसका हर्जाना हमको जो है वो दिया जाए। ठीक है, धन्यवाद। आपका नाम क्या है? रहने दो, मैं कह रही हूँ, एक ने बोल दिया ना बहुत है।